हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी दोस्त जो बढ़िया से चल रही होगी। बहुत ही तेज बोल दिया उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। और कल आपके एडमिट कार्ड आ चुके तो सभी को पता होगा आपका फिजिकल सेंटर कहाँ पड़ा है ना। तो भाई मेरा जो फिजिकल है वो है फरवरी में, सभी को पता है फरवरी तक फिजिकल होने 15 तक, और 25 फरवरी को आपका रिटर्न का एग्ज़ाम है जो कन्फर्म है, ठीक है। 25 को ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी करते हैं बढ़िया से। बाकी यार जिनका अभी स्टार्टिंग में फिजिकल पड़ गया तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्त, है ना। 2-3 दिन ही हैं अब तो आपके पास और फिजिकल हो जाएगा। हाँ, बट आपके लिए फिर रिटर्न के लिए टाइम मिला है बहुत, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, है ना। तो आपने जितने अगर फिजिकल में खींचने थे थोड़ा आपको रिटर्न में करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत है ना, टाइम तो मिला ही है पूरा, तो वहाँ पर आप फायदा उठा सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं डेली रूटीन ब्लॉग में क्या होता है। अभी मॉर्निंग में मैं आया था दूध लेने, तो अभी चलते हैं घर। तो यार दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपन निकल पड़ा है अपनी लाइब्रेरी की तरफ, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे, 10:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा लाइब्रेरी, और उसके बाद आएंगे 2 बजे के करीबन, 2-2:30 बजे या 3 बजे, जैसे ही भूख लगेगी, ठीक है। अफसोस है यार, मुझे आज गन्ने कट गए भाई, अब मैं खाऊंगा क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने गन्ने काट दिए जल्दी तो दुख हो रहा है। कोई नहीं, अभी ये दूसरा खेत है, इधर से ले जाएंगे फिर, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कोचिंग से आने के बाद। तैयारी करो यार बढ़िया से, ओके बाय बाय। तो यार दोस्तों, अपना पर आया, चलो छोड़ो वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, लाइब्रेरी का टाइम हो चुका है कंप्लीट, 2:30 बज चुकी हैं और भूख भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा यार, भूख लग गया आज तो। अभी तो 1 किलोमीटर और है जाने के लिए। चलो फिर पहुँच के करता हूँ बात आपसे, बताना पड़ता है ना आपको कब निकला, कब गया, क्या है, ठीक है। तो भाई लोगों, लंच अपना हो गया, बस लेटा हूँ अब, 2:30 बज गई, ओ सॉरी 2:30 क्या हो गया मुझे, 3:30 हो गया यार टाइम, 10-20 मिनट अब आंखें बंद करते थोड़ा, और 4 बजे फिर निकलना है हमें रनिंग के लिए, ओके। अगर अभी मेरे पास 1 महीना तो है ही अपने फिजिकल के लिए, या 25 दिन आप मान के चलो, और इस 25 दिन में मुझे कम से कम एक्सलेंट तो मारना ही चाहिए, इतनी प्रैक्टिस मेरी होनी चाहिए, है ना। जब इतना टाइम मिला है तो एक्सलेंट लाइक प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, तो करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। वैसे मुश्किल तो होगा बहुत, पैरों में दर्द हो रहा मेरा, परसों भागा था तो पैरों में दर्द हो रहा, तो देखते हैं, कोशिश तो यही करनी कि एक्सलेंट हो हर चीज, लॉन्ग जंप में थोड़ा हो भी जाए तो कोई दिक्कत, लॉन्ग जंप में मेन है एक्सलेंट। अगर 1 फुट कम मारा ना, 17 मारा ना, 4 नंबर कट जाएंगे, और 18 मारा तो भाई साहब 20 नंबर, और 18 मारने के लिए देख के, लेकिन 18 मारने के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत बोलने को 18 है, बट समझ रहे हो ना आप। तो यार दोस्तों, अभी मैं फिजिकल की प्रैक्टिस करके अभी पहुंच चुका हूं घर में, और 7 बज चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, बाहर इतनी ठंड लग रही ना भाई, क्या बताऊं। तो आपन तो बैठ चुका है रजाई के अंदर, रजाई मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अभी हल्का बॉडी चार्ज के लिए माइक्रोने, वैसे ये खाना नहीं चाहिए, मैदा है, बट दीदी जी अभी ड्यूटी से आए तो उन्होंने अपने लिए बनाए, थोड़ा मुझे भी दिए, तो खा लेते हैं, कल की रनिंग में बाहर आ जाएगा, है ना। मैदा जितना हो सके अवॉइड करो, पर अभी मैं खा रहा हूँ, पर मैंने बहुत कम कर चुका हूँ पहले से, ज़्यादा बहुत कम। तो अभी कुछ काम है नहीं, तो पढ़ते हैं अभी बढ़िया से, ठीक है। अभी तो 7 बज रही, बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है यार, पढ़ने को बहुत ज़्यादा है भाई। चलो बाय बाय।